प्रभात पट्टन के शमशान घाट में, जो कि मुसलमान समाज का कब्रिस्तान साथ ही हिंदुओं का शमशान घाट एक ही जगह 20 एकड़ में फैला हुआ है, वहां पर प्रभात पट्टन के निवासी जो कि रीवा सेंट्रल जेल में पदस्थ जेलर संजीव कुमार नायक के कर कमलों द्वारा मोक्ष धाम का लोकार्पण किया गया। इसमें राजकुमार देशमुख, अलीम पठान, किशोर चौरसिया, अयुब भाई, अनिल नायक सभी लोग शामिल हुए। और इस कार्य के बारे में जब पूछा तो जनता का कहना था कि यह शासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, हम आपस में ही लोगों के प्यार से सहयोग से बनाने जा रहे हैं, सबका सहयोग भी प्रदान हो रहा। भैया एन टीवी में आप सबका स्वागत। मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे किस चीज़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये प्रभात पट्टन का कब्रस्तान और हिंदू मोक्ष धाम दोनों एक साथ हैं, और ये सबसे बड़ी अजूबे की बात है कि प्रभात पट्टन गांव में मोक्ष धाम और कब्रस्तान दोनों एक ही साथ एक ही परकोटे में है। ये ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये हमारे यहाँ पर एक मिसाल कायम हुई है। आज हमारे आप क्या कहना चाहेंगे जो भूमि पूजन आपके गांव के सम्मानित राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए संजीव कुमार जी जेलर के द्वारा यहां पे भूमि पूजन किया गया है, इसका आगे क्या आशा है जो भूमि पूजन किया जा रहा है? इससे भी बड़ी खुशी की क्या बात है जो वो कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं। तुमको आना है। आप इस अलीम पठान जी से जानना चाहेंगे ये जो भूमि पूजन किया जा रहा था सरकारी योजना के तहत यहाँ पे इस कार्य को संपन्न किया जाएगा? नहीं, आपसी सहयोग से पब्लिक ने आपसी सहयोग किया है हम लोगों को, इसलिए हम इसका ये पैसा किसी गवर्नमेंट जन सहयोग से इसका भूमि पूजन करवा रहे हैं। यानी जन सहयोग तो मतलब कहीं ना कहीं चंदा? हाँ, चंदे के माध्यम से। जनरल साहब आपसे भी जानना चाहेंगे आपका इसमें क्या योगदान रहेगा जो भूमि पूजन किया जा रहा है शमशान घाट के लिए? बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है, लेकिन इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? जो सभी समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है, और जो भी आर्थिक सामाजिक जो भी आवश्यकता में सब में सहमत हूँ, और यहाँ ग्रामीण प्रभात पट्टन का मैं रहने वाला हूँ, और जो भी समाज के लोग मुझे कहेंगे कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है मैं वो सबको देने को तैयार हूँ। धन्यवाद।